सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सुधार का है वही, मान लो फिर राशन मिल रहा है तो थोड़ा राहत मिला है। अब बाकी तो महंगाई तो वो तो बढ़ी। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ गांव में कितना इस बार सरकारी नौकरियाँ कितनी लगी हैं? सरकारी नौकरी यहाँ कोई नहीं लगा है। कोई नहीं लगा है। आवास योजना में फायदा नहीं मिला है? नहीं मिला है। अच्छा। खाली हमारे पति को मिला है बस, एक हमारे बच्चे हैं बड़े बड़े, उनको तो मिलना चाहिए। जैसे हमारे लोग का खेती थोड़ा सा है, आधा एकड़ है, पर्ची नहीं आती है जल्दी, सुनाइए नहीं है छोटा किसान लोग का। कितना दिक्कत हो रहा है फिर उससे घर के? दिक्कत क्या, बच्चों को सब बाहर है काम कर रहे हैं, क्या करें, रोजी रोटी अपना चलाना ही पड़ेगा। अब घर बनवा में क्या करें क्या नहीं करें? आपका यही घर? हाँ यही घर है। तीन चार प्रधानी बीत गई, प्रधानी का योजना हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिलती है, कड़ी नहीं मिलती हमारा तो। हम तो कनंथन करवाए हैं, हमें तो वो सिलेंडर नहीं मिलो है। और जो समस्या आए वो तो कम हो गई है ना, गुंडागिरी तो कम है। पैसा ले लेते हैं प्रधान लोग, कोई आवास को नहीं मिला है। अब बीमारी हमें बहुत खतरनाक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अब जिस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए तो महान ही अच्छा है। सरकारी अस्पताल ने कुछ मदद नहीं मिली? कुछ नहीं, कोई सरकारी हॉस्पिटल में कोई मदद नहीं। सीसीए में आपका फिर से स्वागत है। हम लखीमपुर खीरी में हैं। लखीमपुर खीरी की जो खीरी लोकसभा है उसमें हम अभी पलिया विधानसभा के बलपुर गांव में हैं। यहाँ चार पांच ऐसे गांव हैं जिसकी एक बड़ी पंचायत है। बलपुर गांव में ज़्यादातर लोग ओबीसी समाज से हैं, मल्ला है, केवट हैं, चौहान हैं, मतलब अलग अलग यहाँ की ओबीसी समाज से यहाँ पर लोग हैं। क्या है चुनावी रुख? क्या पिछली बार जैसा है जब देखा था ओबीसी समाज लगभग एक तरफा भाजपा में गया था, क्या उसमें कुछ बदलाव है इस बार या वैसा ही है? आइए बात करते हैं। कुछ ग्रामवासी हमारे साथ यहाँ हैं। नमस्कार जी, बात जाऊँ आपके साथ? क्या नाम हो आपका जी? हम नहीं बोल पाएंगे। हल्लो, कोई बोल ही नहीं है आदमी, हम नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, आइए लड़के जी, नमस्कार, क्या नाम हो आपका? मनोज कुमार। मनोज क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हैं जी। कहाँ, मतलब गांव में ही? गांव में। बताइए, 10 साल ये सरकार के रहे हैं, मजदूरों के लिए कैसे रहे हैं 10 साल? कुछ मजदूरी में बढ़ोतरी हुई महंगाई के हिसाब से, क्या कुछ फ़ायदे की कोई पॉलिसी अब तक पहुंची या क्या? फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, गन्ने की थोड़ा बहुत मतलब बढ़ोतरी हुई है। थोड़ा ज़ोर से बोलो। बढ़ोतरी हुई है गन्ने के बाद। हाँ। मजदूरी वही है। हाँ हाँ जी, मजदूरी में कोई नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा ज़्यादा। और इधर के क्या हाल है हमारे, जो मतलब महंगाई के चलते, क्योंकि ये सरकार तो कह रही है कि हम सारे मजदूरों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है? राशन नहीं मिल रहा है और क्या है उसमें जो कि, और कुछ नहीं है, जो राशन मिल रहा है मजदूरी आदमी करके खा ही रहा है। सारे खर्चे पूरे नहीं होते उससे? नहीं होते जी। महंगाई के हिसाब से मजदूरी बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी। ये बताइए, विधायक जी हो यहाँ के, साहनी जी है ना यहाँ के विधायक, या ये लोग कितना आते हैं आपके गांव? बातचीत हो पाती है, अपने मुद्दे दिक्कतें रख पाते हैं? बहुत कम होती है जी। जी नहीं होता। तो बताइए, इस बार चुनाव आ रहा है, कुछ सोचा है कहाँ जाएंगे अभी इस बार? अभी तो मतलब कोई बात वो नहीं चल रहा है कि आदमी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। पिछली बार सब कहाँ गए थे गांव में ज़्यादातर? पिछली बार तो ये सब वही गए थे कमल के फूल पर। तो इस बार भी वही रुझान एक तरफा लग रहा है, कुछ बदलाव लग रहा है इस बार? कुछ बदलाव लग रहा है जी। बदलाव लग रहा है। बदलाव का क्या कारण है? महंगाई जैसे मुद्दे ही हैं या क्या है? महंगाई के मुद्दे हैं। महंगाई के मुद्दे हैं। सरकार से जो उम्मीद थी कि भाई गरीबों के लिए करेंगे, आप देख लीजिए फ़ोन देख लीजिए, कोई उम्मीद थी कि मजदूरों के लिए गरीबों के लिए करेंगे, मोदी जी खुद कहते थे भाई मैं मजदूर हूँ, चाय बेचता था, क्या उस तरीके से कुछ कर पाए हैं? कुछ नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। चलिए, ये यही अहम मुद्दे होते हैं किसी चुनाव में। देश के मजदूर, देश के किसान कितनी तरक्की करते हैं, वही मुझे लगता है एक देश की तरक्की का सही मापदंड वही होता है। नमस्कार साहब, क्या नाम हो आपका? सुभाष। सुभाष जी क्या करते हैं? हम तो राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री हैं। कैसे रहे 10 साल?
दस सालों से अच्छा ही रहा। मतलब किस तरीके से, राशन की वजह से बोल रहे हो या फिर मजदूरी भी उस हिसाब से? नहीं, तरफ राशन भी वैसे तो मिल ही रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं अच्छा रहा, वही हम समझना चाह रहे हैं, कुछ सुधार आया मजदूरों की जिंदगी में? तो सुधार तो बहुत आया है। अच्छा, जैसे इनका कहना था कि कोई खास सुधार देखा नहीं, दिक्कतें बढ़ गई महंगाई की वजह से, आपको क्या सुधार नजर आया? सुधार का वही मान लो फिर राशन मिल रहा है तो थोड़ा राहत मिला है, अब बाकी तो महंगाई तो बढ़ी गई है, बहुत बढ़ गई है। तो उस हिसाब से राशन से तो पूर्ति नहीं हो पा रही होगी? नहीं नहीं, आदमी तो खरीदी के मतलब खा रहा है। खरीदी को तो खा रहा है, खरीदी को खा रहा है। अच्छा, ये बताओ आपके यहाँ गांव में कितना इस बार सरकारी नौकरियाँ कितनी लगी हैं? सरकारी नौकरी यहाँ कोई नहीं लगा है, कोई नहीं लगा है। मोदी जी बोले थे कि इस साल की 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो वादा पूरा नहीं हुआ? नहीं नहीं, वादा तो नहीं पूरा हुआ है, नहीं हुआ। कर रहे हैं, चलिए अभी आते हैं। तो फिर ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि एम ए बी ए कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उस तरह से कोई रोजगार के नए साधन नहीं खोले? नहीं नहीं। तो क्या सोच रहे हैं, मतलब ये चुनाव में क्या सोच रहे हैं? फिर ये कह रहे हैं कि शायद बदलाव होगा इस बार, कुछ बदलाव होगा, आप लोग का क्या कहना है, आपका क्या कहना है? अब बदलाव देखो उतने पर तो बाद में पता लगेगा, चुनाव के बाद में मालूम चलेगा। आप कुछ इधर हैं, कोई उधर है, उसमें क्या आदमी तो कह सकता है? एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है। पिछली बार तो एक तरफा, हाँ पिछली बार तो एक तरफा थे। इस बार क्यों बदलाव हो रहा है, इन्हीं मुद्दों की वजह से नाराजगी है? हाँ हाँ, इसी मुद्दों से। अच्छा चलिए, नौजवानों से ही बात करते हैं। आइए साहब, क्या नाम हो आपका? जी दशरथ। दशरथ क्या करते हो? जी तो हम तो बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, यहाँ काम नहीं मिला? यहाँ काम कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा क्यों? धूप की वजह से। धूप की वजह से। कहाँ काम करते हैं फिर, कहाँ रहते हैं? हम तो पिज्जा बनाते हैं। पिज्जा बनाते हैं, अरे वाह, कहाँ पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद, लियो आप तो गुजरात जाते हैं फिर। तो क्या वोटिंग के लिए आए हैं वापस? जी आए हैं चुनाव के लिए। बताइए, ये बताइए दशरथ, तुम अहमदाबाद जाते हो, यहाँ पर आते हो, इधर इस तरह का कोई रोजगार का साधन नहीं खुला आपके लिए? यहाँ पे तो नहीं, नहीं खुला। कितना पढ़े हो? पढ़े ही नहीं है। पढ़े ही नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं जा पाए स्कूल? 4-5 तक पढ़े। 4-5 तक पढ़े, फिर दिक्कत रही घर पे, फिर काम कर। तो ये बताओ, चुनाव आ रहा है, आप तो खैर उनके गढ़ से ही आते हैं, लेकिन इधर की क्या स्थिति है? ये हमको तो नहीं मालूम, हमें अभी हुआ 10 दिन आए हुए, तो अभी बातचीत नहीं हुई चुनाव में, कहाँ जा रहे हैं क्या हो? पता नहीं जी, जो सबने आपके पास भेजा बात करने के लिए, आपने तो जब पता ही नहीं तो क्या बताएं। चलो ये बताओ, एक तरफा है, पिछली बार तो यहाँ एक तरफा भाजपा, पिछली बार थी, अब की तो पता नहीं सर, मैं यहाँ रहता रहे नहीं। चलिए आओ, सीधा कह दे मोदी को देंगे यार, सीधा कह दे। चलिए आप बताइए साहब, क्या नाम हुआ? अभिराज। अभिराज, अभिराज क्या करते हो? गन्ना गोड़ते हैं। गन्ना गोड़ते हो, अपनी जमीन है या मजदूर? जमीन नहीं है, मजदूरी कर रहे हो? तो ये बताओ, 10 साल मजदूर है वो यहाँ पर, इस बार लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, खाली नेतागिरी होता है। हाँ, एक सेकंड ठहरो, इनकी गाड़ी निकलने दो भाजपा की, इनके सामने नहीं पूछेंगे। तो बताइए फिर क्या रहा 10 साल? 10 साल यहाँ, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल छोड़िए। लियो जी, भाजपा के प्रचारक भी आ गए बात करते करते, महिलाएं भी यहाँ हैं, उनसे पूछें। जी नमस्ते बहन जी, नमस्ते। क्या आप यहाँ इसी गांव के हैं? हाँ मैं इसी गांव के हैं। बताइए, आप कुछ कह रहे थे अभी जब? हाँ यही कह रहे थे कि प्रधान बनते हैं, सूची में नाम भी आ जाएगा, हमारे बच्चों को आवास नहीं मिल रहा है, नाम आएगा, नाम कटवा दे रहे हैं। आवास योजना में फायदा नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा। खाली हमारे पति को मिला है बस, एक हमारे बच्चे हैं बड़े बड़े, उनको तो मिलना चाहिए, आबादी भी मिलनी चाहिए, जगह थोड़ी सी है, नहीं मिल रहा उससे? नहीं। और जैसे हमारे लोग का खेती थोड़ा सा है, आधा एकड़ है, पर्ची नहीं आती है जल्दी, सुनाइए नहीं है, छोटा किसान लोग का। तो मतलब वहाँ पर्ची में मतलब कितना देर, भुगतान में कितनी देर हो जाती है? अभी आखिरी में आई है पर्ची एकदम, बहुत देर से, भुगतान देर से हो रहा है। हाँ तो ये बताइए अभी क्या स्थितियाँ हैं, महंगाई से कितनी दिक्कत हुई है? सिलेंडर मिला आपको? हाँ सिलेंडर मिला है। हाँ पैसा तो आप मिल ही नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है, सब्सिडी का नहीं मिल रहा?
कभी आता है कभी नहीं आता नहीं है। तो कितना दिक्कत हो रहा है फिर उससे घर के बच्चे दिक्कत को? क्या बच्चों को सब बाहर हैं काम कर रहे हैं क्या करें रोजी रोटी अपना चलाना ही पड़ेगा हमको आबादी दें आवास दें रहने के लिए बना नहीं लेकिन आवास योजना का फायदा नहीं मिला। नहीं सब बच्चे पैसा कमा कमा कर बनवाए हैं खुद ही बनवाए हैं हाँ और प्रधान आता है कि बना है कि नहीं मिलेगा मिलना चाहिए ना हमारा हक पूरा मिलना चाहिए बिल्कुल नहीं दे रहे हैं क्या क्या आइए आ जाए जी बोला आप क्या कह रहे थे अरे हमारे टूटो कत घर पर बात नहीं मिलो है हाँ बच्चन का नाव ही ना है दुई दुई तीन तीन प्रधान हो गए कोई देवे नहीं करे तो बात मिल नहीं रहा है आपको अब घर में बच्चा हैरान एक बच्चा छोटो रहा हैरान पैसा हो तो बच्चा ही लगाई देते घर देखा हुआ देख लो चलो आप देखो अंदर है चलो आओ घर दिखा रही है ये देखिए आवास योजना का फायदा जिसका बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है आवास योजना का लेकिन यहाँ पर उनका कोई भी अभी तक उसकी एक भी किश्त नहीं आई है बच्चा एक है वो देखा है लड़का है हैरान है की दवाई हुई रही है सब पूरा खतवा पड़ो का करें बच्चा हां 3 साल से इलाज करवा रहे 4-5 ऑपरेशन करवाए हैं लखनऊ में पांच रहन खाऊ भए हैं अब घर बनवा में का करें का नहीं करें आपका यही घर हां यही घर है 3-4 प्रधानी बीत गई प्रधानी का योजना हमें कुछ भी नहीं मिला कुछ नहीं मिलते आवास योजना नहीं मिल रही वहाँ प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं मैं कितनी औरतों के घर बनवा दिया आवास योजना कहाँ दिखा रहे हैं कुछ एक बनो है हमारे लोगों ने नहीं बनो है पीछे से पूरा गिरा हुआ है घर हमारा बैठो है घर बच्चा हैरान है तब बच्चा दवाई करवा हम लोग बनवा लेंगे आवास से हम लोग गए गुजरे हैं कि एक आवास नहीं मिल सकता है अभी यहाँ से एक प्रचार करती हुई गाड़ी निकली थी और उसमें जो गाना चल रहा था वो यही था फिर से वो राम भक्ति ही नहीं राम मंदिर और वही मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ही वहाँ पर उनका प्रचार गीत चल रहा था लेकिन सच्ची मुद्दे क्या हैं वो हम आपते ये हैं कि सच्ची मुद्दे ये हैं कि आवास योजना में लोगों को घर नहीं मिल रहा महिलाओं को बहुत दिक्कत में रह रही हैं और शायद इन्हीं मुद्दों से ही भटकाने के लिए हर बार मुद्दे हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं नहीं मिलती हमारा तो हम तो कनंथन करवाए हैं हमें तो वो सिलेंडर नहीं मिलो है प्रधान दीदी प्रधान हमारा घर पे झांकने नहीं आता है प्रधान भी नहीं आता है घर पे देखने कि घर ऐसा पड़ा है तो उनको आवास देना चाहिए तो ये विधायक जी या साहनी जी जो हैं आते हैं यहाँ पर कभी नहीं हमारे घर पे तो नहीं आते जब वोट की बारी होती है वोट की बारी आती है तभी आते हैं तभी आते हैं तब है आते देखा कोई नहीं तो दीदी इस बार बताइए इतनी ये दिक्कतें जो आप कह रहे हैं हो रही है बहन जी तो इस बार चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं पिछली बढ़िया प्रधान बन जाए मंत्री जो बढ़िया बन जाए उसे बने ही जो बढ़िया मंत्री हों सांसद का क्या नहीं पता अभी सोचा नहीं है वोट तो उन्हीं को मिलेगा किनको मोदी जी को देंगे मोदी जी को दीजिएगा वोट तो खोल कर उन्हीं को मिलेगा लेकिन हमारा लोग का मदद करें तो फिर मदद नहीं हो रहा तो वापस वोट क्यों जा रहा है उधर लेकिन और जो समस्या आए वो तो कम हो गई है ना गुंडागिरी तो कम है अच्छा पहले गुंडागिरी बहुत थी हाँ चोरी पचारी बहुत हो रहा था ना हुई थी इधर चोरी पचारी जैसे सब तो कम है लेकिन हम लोग का सरकार बढ़िया बनाए सरकार है बढ़िया बनाए तो आगे कोई काम बतावे तो बढ़िया ही है हमारा तो कतई गिरो पड़ेगा ठीक है जिनका बना है चलो उनके लिए तो सुविधा जिसका नहीं बना है उसको भी तो चाहिए आवास बिल्कुल यही असली मुद्दे होते हैं आवास नहीं बना शौचालय बना है शौचालय बना है गिर रहे हैं वो भी गिर रहा है ऐसे शौचालय बने हैं हां देखो जो हो रहा है और का मिले तो ठीक दे दिया जाना है के बाबूजी नमस्कार बाबूजी क्या नाम हुआ आपका हमारा शुभ नाम जगदीश है जगदीश जी क्या करते हैं कुछ नहीं हम बीमारी से बहुत परेशान हैं हमें 2 साल होने वाले हैं लमसम अपना वाला लगा लो अच्छा चलो इससे करो अभी हाँ हाँ और बीमारी हमें बहुत खतरनाक है अब कभी कभी ऐसा होता है कि अब जिस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए तो महान ही अच्छा है अब पैसे नहीं गरीबी हालत में और सरकारी अस्पताल ने कुछ मदद नहीं मिली कुछ नहीं कोई सरकारी हॉस्पिटल में कोई मदद नहीं
और हमारे पास मात्र भूमि बहुत थोड़ी है, मात्र 1.5 एकड़ के मात्र ही मेरे पास भूमि है, वो भी मैं बड़ौदा बैंक का कर्जदार हूँ। इस बीमारी के थोड़ा सा हमारे पोता 5-5 ऑपरेशन हुए, इससे हम ज़्यादा कर्जे में लटर पटर हो गए और अपनी बीमारी से अभी हमें लमसम 15-20 दिन हुए हैं आँख बनवाए हुए। मुद्दे बहुत हैं, अंदर अंदर देहातों में आए लोगों से बात करें तो पता चलेगा कि धार्मिक मुद्दों से बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी हैं। सांसद बढ़िया हमारा बन जाए, जबकि हम लोगों की गरीबों की देखभाल अच्छा करे, और नहीं अगर तो साल में 1-2 बार तो यहाँ जनता के प्रूफ। अच्छा चलिए, ये कोई देखने आए कम से कम? हाँ कम से कम। ये बताइए, पिछली बार जो सांसद थे इधर आपके यहाँ, तो एक तरफ उनको वोट पड़े थे, जी हाँ। तो इस बार भी वही है, कुछ बदलाव है? अब इसमें बदलाव तो नहीं, ये हमारे यहाँ रोमी साहनी जी यहाँ सांसद बने हैं अभी। हाँ, वो एक ही बार आए, वरना फिर दूसरी बार आने का वोट मांगने आए। जी हाँ, वोट के सिलसिले में आए थे, बस उसके बाद नहीं आए। तो क्या कमल पर फिर से जाएंगे आप लोग, कहीं और जाने की सोच? अब कोई भी हमारा सांसद यहाँ का या सरकार अच्छी बन जाए तो हम लोगों की देखभाल अच्छी हो। भैया देखभाल करें हम लोग, उसे दूर करें। हम लोग गरीब आदमी, अमीर हों तो अमीर पर यहाँ जाओ, जो गरीब अपनी गरीबी उनसे बता सकें, ताकि हम लोगों की ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, उतने में हम लोग जी सकते हैं। थोड़ी बहुत मदद ही मिल जाए ताकि जी पाए। समस्याएं कितनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन मुद्दे ये नहीं बन पा रहे हैं, चुनाव के मुद्दे। फिर से मंगल सूत्र आपके कोई ले जाएगा, या फिर आपकी ज़मीनें कब्जा लेंगे, धर्म के नाम पर कोई आपकी ज़मीन, यही मुद्दे बन चुके हैं। आइए यहाँ, ज़रा आइए, लोगों से बात करें तो पता चलेगा सही मायने में पार्टी कोई भी सत्ता में आए, प्रचार करने कोई भी है, लेकिन असली मुद्दे ये हैं। असली मुद्दे हिंदू मुसलमान नहीं, असली मुद्दे ये हैं जो लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं। आवास की दिक्कत है, इनको स्वास्थ्य की इतनी दिक्कत है। आइए बाहर भी बात करते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ये हम ज़रूर अपने चैनल पर दिखाएंगे आप लोगों की जो परेशानियाँ हैं। आइए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं अब सब आके हमको कह रही हैं, हमारी भी स्थिति देखिए, यहाँ आवास की बहुत बड़ी दिक्कत है, आवास योजना कहीं नहीं मिल रही है लोगों को। एक और घर देख लेते हैं, आइए। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम रामकिशोर है सर। रामकिशोर जी, क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी कर, ये देख लीजिए, एक और आवास योजना के तहत घर नहीं बना, जिसका इतना ढिंडोरा पीटा गया था, वहीं छत इस तरह की है। बहुत गर्मियों में गर्म, सर्दियों में दिक्कत, बरसात में ऊपर से पानी आता है, मतलब ये आवास योजना की दिक्कत कई लोगों को यहाँ पर है, जिनके अभी तक घर नहीं बने। एक भी को नहीं मिला जी। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? दुनिया के आवास मिल गया, यहाँ हमारा बार भी पक गया, हमारे लड़के की भी बार पक गया, हम लोग के आवास नहीं मिला। पैसा देते हैं, ले लेते हैं प्रधान लोग, ना पैसा ले लेते हैं प्रधान लोग, कोई आवास हमको नहीं मिला है। चलिए, कहाँ है आपका आवास? चलो हम दिखाते हैं। अकेले रहते हैं आप? हैं लड़के चार, लड़के चार, टूटी टीना की मुड़ैया में हम पड़े हैं। अच्छा, तो ये आप टूटी टीन के उस पर पड़े हैं आप? कितना दूर है आपका? अरे हो हुआ कोने पर है बाबा। चल चल, तो ये बताइए, आपको पेंशन वगैरह मिल रही है? नहीं मिलता है पेंशन, नहीं मिल रही है? नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ नहीं मिलता है हमको। कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, हम बूढ़ी मेहरुआ, गन्ना वो जाते हैं, बाल बीनते हैं, वही रोटी खा लेते हैं। अच्छा हाँ, आइए चलिए। कुछ नहीं मिलता है हमको। ये है आपका? हाँ यही है। ये है आपका मकान? हाँ यही मकान हमारा है। ये देखिए, ऊपर टीन की वो लगी हुई है, बारिशों में और धूप में भी और सर्दियों में कितनी दिक्कत होगी। आवास योजना इसीलिए ही शुरू करी गई थी क्योंकि गरीब से गरीब इंसान भी अपने ऊपर एक पक्की छत लगा सके, लेकिन आप ये देख लीजिए हालात क्या हैं, कई लोगों को यहाँ आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उम्मीद यही करते हैं, आइए। बूढ़ी मेहरुआ के देखिए, मेरे जाला जब चुहत हो गया के देखिए बाबू, वो लिया देखिए, आइए
देखिए घर हमारा, देखिए बाबू है से। अम्मा ने अभी अपना ये आवाज़ दिखाया, कुछ और महिलाएं भी अपने आवाज़ के पास लेकर गईं, दिखाया किस मुश्किल परिस्थितियों में जी रही हैं। कुछ देर पहले यहाँ से एक राजनीतिक पार्टी की गाड़ी निकली थी प्रचार करते हुए, उसमें आवाज़, राशन, मजदूरी, खेती, इन सब के मुद्दे नहीं चल रहे थे। उसमें जो प्रचार गीत चल रहा था वो मंदिर मस्जिद के बारे में था। उम्मीद यही कर सकते हैं, पार्टी जो भी आए, सरकार में जो भी आए, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, सांसद बनेंगे हारेंगे, लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं जो भी आए या जाएं, मुद्दे यहाँ पर मजदूरों के हालात, महिलाओं के हालात, आवास, राशन, किसान, खेती, मजदूरी, इन्हीं चीज़ों पर चुनाव हो। मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप खीरी में आएंगे, जहाँ हम आप अगर CCA के चुनावी सफ़र से जुड़े हैं, आपने देखा होगा कि गांव दर गांव हम अलग अलग सीट, लोकसभा सीटों में, अलग अलग ज़िलों में, बिल्कुल सबसे अंदर अंदर के रिमोट गांव में गए हैं। वहाँ पर सब ने खुल कर अपनी बात रखी है कि प्रचार चुनाव में इस वक्त वोट कहाँ दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक बदला हुआ माहौल है, बहुत सारे लोग यहाँ खुल के बात नहीं कर रहे हैं, कैमरे के सामने कम से कम अलग से ज़रूर बोलते हैं। इसके कारण क्या है, मैं इस पर विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा भी मैं क्योंकि उस पर कोई अज्यूम कर लेना चीज़ गलत ही होगी, लेकिन हाँ यहाँ एक किस्म का खौफ या डर ज़रूर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोग खुल के बात नहीं करते। उस डर के क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस तरह का डर किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ OBC समाज लगभग एक तरफा पिछली बार फूल पे गया था, इस बार जो लोगों ने बताया है, अलग अलग लोगों से बात हुई है, कुछ बदलाव है, कितना बदलाव है, कितना वोट सपा या बसपा पे जाएगा उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन एक तरफा माहौल थोड़ा कम दिख रहा है इस बार। जुड़े रहें CCA के साथ, धन्यवाद।